नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, अक्सर जब हम सभी परेशान होते हैं तो परेशानी के उपाय के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस किसी तरह से समस्या ख़त्म हो जाए और हमारा पिंड छोड़े, इस कामना में लगे रहते हैं। कुछ तो समस्या का हल खोजने के लिए गलत राह पर भी चल देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर समस्या का समाधान धार्मिक तरीकों से खोजते हैं, जिसमें ज्योतिष शास्त्र महत्वपूर्ण है। वहीं कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति पैसे की समस्या से काफ़ी परेशान रहता है और पैसे कमाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। ऐसे में कई लोग गलत रास्ता भी अपना लेते हैं। पैसे की तंगी का मतलब है आर्थिक परेशानी। पैसों की परेशानी का कारण होता है लोगों की आय का कम होना और उनका अपने ही पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। इन्हीं कारणों की वजह से उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। यूं तो विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है और आज की पीढ़ी आधुनिक जेनरेशन के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन फिर भी आस्था से जुड़े हुए लोग आज भी पुराने रिवाजों का पालन करना जानते हैं। लोग कहते हैं, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। कई लोगों को लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। वे कहते हैं कि आखिर पैसे से ही रोटी, कपड़ा और मकान खरीदा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार 6 राशि के जातकों की किस्मत पलटने वाली है, या यूं कह लें लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि इन पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बन रही है और इनकी काफ़ी दिनों से सोई किस्मत जागने वाली है। जी हाँ, बता दें कि आने वाले समय में ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इन्हें काफ़ी लाभ मिलने वाला है और हर काम में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर आने वाले समय में देवी माँ लक्ष्मी की कृपा होने जा रही है, जो बनने जा रहे हैं धन से मालामाल। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले भाग्यवान और खुशकिस्मत राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में और कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से अनुकूलता होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य में अपार वृद्धि होगी। वरिष्ठों से सहकारी हो तथा लाभ मिलेगा। धन से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। खर्च बढ़ेंगे लेकिन आमदनी भी बढ़ने के कारण आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुके हुए महत्वपूर्ण काम पूर्ण कर पाएंगे। प्रयासों के कारण व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं, तो कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। और दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए ये महीना शुभ संकेत लेकर आया है। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला समय धन की वर्षा कराने वाला रहेगा। धन धान्य में अपार वृद्धि होगी। अनेक स्रोतों से धन का आगमन होगा। धन से मालामाल बनने के योग हैं। नए कार्यों का आरंभ होगा। रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण कर पाएंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन
सुखमय रहने वाला है। रिश्तों में मिठास आएगी। अब तक आ रही अड़चने दूर होकर कार्य निर्विघ्न पूर्ण तरीके से संपन्न होंगे। संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वाहन और भवन सुख प्राप्त होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले समय में आपको कई शुभ समाचार मिलेंगे। अब अगली तीसरी भाग्यवान राशि है तुला राशि। आने वाले समय में तुला राशि के जातकों के आर्थिक उन्नति के योग बने हुए हैं। इन्हें धन से मालामाल बनने के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। इस दौरान आपकी संवाद शैली और दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता कार्यस्थल पर आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करेंगे। आप अपने सभी संसाधनों का पूरी क्षमता से उपयोग करने में सक्षम होंगे। आपके व्यापार क्षेत्र का विस्तार होगा, जिससे अधिकाधिक धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक शांति मिलेगी, घर परिवार में सुखमय वातावरण रहेगा, पत्नी और संतान का सहयोग मिलेगा, भौतिक सुखों का आनंद अनुभव करेंगे, आध्यात्मिक सुख मिलेगा, घर परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन सकते हैं। ये महीना आपके लिए हर तरह से सफलता और खुशियां देने वाला साबित होगा। केवल महीने के अंत में मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अन्यथा ये महीना आपको अत्यंत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। अब दोस्तों अगली भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को आने वाले समय में किस्मत बहुत तेज से चमकने वाली है। ये महीना मकर राशि वालों के आर्थिक मामलों में शुभ फलदायी साबित होगा। मकर राशि वालों पर अभी शनि साढ़े साथी चल रही है, लेकिन आपके लिए ये महीना सफलता भरा साबित होगा। आपके मान सम्मान और आमदनी दोनों में वृद्धि होगी। अकस्मात धन प्राप्ति के योग हैं। किसी पुराने निवेश से भी धन लाभ हो सकता है। कोई पुराना ऋण आप उतार सकते हैं। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में विस्तार होगा। शेयर बाजार या लॉटरी जैसी चीजों से धन लाभ हो सकता है। वित्तीय संस्थाओं से सहकारी मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से परिपूर्णता लाने के अनेक सुनहरे मौके प्राप्त होंगे। अनपेक्षित रूप से हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्यपूर्ति हेतु यात्रा के योग बनेंगे, जिनसे धन प्राप्ति भी होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अपनों से सहकारी मिलेगी तो निर्णय लेने में अपनों की राय जरूर लें। कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे ना लें। साढ़े साथी की समाप्ति में अभी देर है, पर धीरे धीरे शुभ समय की ओर आपके कदम बढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये महीना आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। अब अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। इस राशि वालों के लिए ये महीना अत्यंत शुभ साबित होगा। आप अपने प्रयासों से हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे। इस महीने में देवी लक्ष्मी की कृपा से आप भी धन से मालामाल बन सकते हैं। धन संबंधित हर समस्या से छुटकारा मिलेगा और निरंतर धन आगमन के स्तोत्र खुलेंगे। वाद विवाद कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता पाएंगे। फैसले आपके पक्ष में आएंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। बहुत समय से मन में रहे अधूरे सपने इस काल में पूरे हो सकते हैं। वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा। कार्य विस्तार या पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में नाम होगा। कुशलता पूर्वक बड़े व्यक्तियों के अच्छे संबंधों से लाभ उठा पाएंगे। इस महीने में मां लक्ष्मी जी आपके द्वार पर दस्तक देने वाली है। ग्रहों के शुभ फलों से धन प्राप्ति धन संचय कर पाएंगे। विवाह इच्छुक जातकों का रिश्ता तय होने की संभावना है। मन को शांति और सुकून देने वाला ये समय है। घर जमीन जायदाद वाहन आदि का सुख मिलेगा। अपने विरोधियों से बना भय दूर होगा। केवल इस महीने में
पारिवारिक जीवन को लेकर संयम से चलना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, घर में कलेश ना होने दें, अपने जीवन साथी की सेहत का विशेष ख्याल रखें। बाकी अत्यंत ही लाभपूर्ण स्थिति इस महीने में बन रही है। अब अगली और छठी भाग्यवान राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक आने वाले समय में अच्छी खासी उन्नति कर पाएंगे। इस दौरान वरिष्ठों से आपके काम की सराहना होगी। नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रचनात्मक क्षेत्र में नौकरी कर रहे लोगों को इस महीने कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। इस महीने सामने से चलकर आए अवसरों का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही उत्तम रहने वाली है। धन प्राप्ति, धन संचय के लिए ये महीना अत्यंत ही शुभ फलदायी साबित होगा। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे सफलता प्राप्त होगी। किसी वजह से रुके असफल कार्य निर्विरोध पूर्ण कर पाएंगे। विद्यार्थी जातक अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। घर परिवार से संतान से सुख मिलेगा। उनके साथ आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। ग्रहों की इस शुभ स्थिति के कारण आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने में सफल रहेंगे। केवल महिलाओं की मित्रता से सतर्कता बरतें। बाकी आपके लिए हर तरह से शुभता लाने वाला, भाग्योदय करने वाला ये महीना होगा। तो इस महीने में बनने वाले अनेक शुभ संयोगों के कारण इन छह राशि वाले जातकों की किस्मत में चार चांद लगने वाले हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि ऐश्वर्य संपन्नता प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि और मकर राशि वाले जातकों को खास सलाह है, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध ना करें, वाद विवाद से बचें। कन्या राशि और मकर राशि वाले जातकों को खास सलाह है, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध ना करें, वाद विवाद से बचें। मीन राशि के लिए इस महीने ग्रहों का ये गोचर सामान्य रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।